अरविंद केजरीवाल लगातार देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी पर हमलावर रहते हैं। अरविंद केजरीवाल ने साफ तौर पर यह बात कही थी कि मैंने अपने इतिहास में यहां पर 12वीं पास भ्रष्टाचार और अहंकारी प्रधानमंत्री ऐसा कभी नहीं देखा, यानी कि देश के प्रधानमंत्री को अहंकारी भ्रष्टाचारी सब कुछ बोल दिया। इसके बावजूद भी यहां पर अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा दावा ठोक दिया है जिसको सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं ऋतिक सविता, स्वागत है आपका एसपीएन 9 न्यूज में। दर्शकों, यहां पर क्या सच में देश के प्रधानमंत्री अब चुनाव नहीं जीत पाएंगे? क्या सच में देश के प्रधानमंत्री और बीजेपी पार्टी दिल्ली में सरकार नहीं बना पाएगी? ये इस वक्त के बड़े सवाल हैं, क्योंकि यहां पर 2025 तो छोड़ो, 2050 तक का, जी हां 2050 तक का चुनाव ही नहीं जीत पाओगे, इस तरीके की बड़ी बात अरविंद केजरीवाल ने कह दी है। उन्होंने कह दिया है कि साफ तौर पर बीजेपी पार्टी अब जो है खत्म होने वाली है। पहले आप इस वीडियो को सुनिए। और मैं सारा बैठ के लिख रहा था ये क्या कह रहे हैं। मैं कह रहा हूं अभी 2025 तो छोड़ो, 2050 का चुनाव भी दिल्ली में नहीं जीत पाओगे, यही याद रखना। देखिए, केवल क्रिटिसाइज करने के पॉइंट ऑफ व्यू से क्रिटिसाइज करना अच्छी बात नहीं है, कुछ ढंग की बात तो करो, कुछ जनता की बात तो करो, कुछ केवल गाली गलौज, ये केजरीवाल ने ये नहीं किया, ये नहीं किया, ऐसे नहीं किया, वैसे नहीं किया, यार जनता के ढंग की बात करो, अच्छी बात करो। केजरीवाल ने 1000 कहा था, 995 क्यों बनाए, 5 क्यों नहीं बनाए? अरे बना देंगे, बाकी भी बना देंगे, चिंता क्यों करते हो, जब उतने बना दिए ये भी बना देंगे, वहां पे शुगर की दवाई नहीं मिलती, दे देंगे शुगर की दवाई भी दे देंगे, बाकी तो मिलती है, बाकी मिलती है क्यों नहीं मिलती? आपका मैं पॉलीक्लिनिक मैं उद्घाटन करके आया था, मेरे को याद है, आपको साथ लेके गया था मैं। इन्होंने 2017 में भी कोशिश करी थी, बोले हमारी सरकार गिरा देंगे, तब तक हमें लगता था ये कुछ ज्यादा ही चाणक्य होंगे, अब तो पता चल गया खोखले हैं, इनके पास कुछ नहीं, इनके पास दिखावा ज्यादा है, शोर ज्यादा है, अंदर कुछ नहीं है। तो 2017 में कहते थे 21 एमएलए तो डिस्क्वालीफाई कर देंगे, 21 को डिस्क्वालीफाई कर देंगे, इतनों को तोड़ लेंगे, और फिर सरकार में बहुत दिमाग लगाता थे, और 70 में से 67 हैं हमारे पास, 3 इनके पास है, जब तक 4 रह जाएंगे मेरे पास तब भी मेरी मेजॉरिटी है, 3 इनके पास, 4 भी अगर मेरे पास है मेरी मेजॉरिटी है, तो ये कैसे सरकार गिराएंगे? मेरी पल्ले के बाहर था, मेरी समझ के बाहर था, लेकिन पत्रकार आते थे कहते थे अमित शाह लगा हुआ है और सरकार गिरा देंगे। 2017 में कोशिश कर ली, उसके बाद 2019 में कोशिश कर ली, 2020 में, अब मत करना यार, इज्जत थोड़ी भी अगर इज्जत बाकी है अब मत करना। अभी मैंने देखा था तेलंगाना के अंदर नवंबर के फर्स्ट वीक में, आप लोगों ने देखा होगा, स्टिंग हुआ था वहां पे, भारतीय जनता पार्टी के 3 नेता तेलंगाना की सरकार गिराने के लिए वहां के एमएलए को खरीदने पहुंचे, 3 बीजेपी के नेता बैठे हैं, 4 बीआरएस के एमएलए बैठे हैं, उनके साथ बातचीत हो रही है, 3 घंटे बातचीत चली, सारी रिकॉर्डिंग हो गई। उसमें वो कह रहे हैं कि हमारे बीएल संतोष साहब मिलेंगे तुमसे, अमित शाह जी मिलेंगे तुमसे, और 50-50 करोड़ ऑफर कर रहे हैं, और बोले 25-25 करोड़ में हमने दिल्ली के खरीद लिए, अब दिल्ली की सरकार गिरने वाली है। केसीआर साहब का फोन आया उसी दिन शाम को मेरे पास, अरविंद जी मेरे पास पूरी इन्फॉर्मेशन है, आपकी सरकार गिरने वाली है। मैंने कहा जी चिंता ना करो, ये यूं ही करते हैं, ये 3 साल से यूं ही करते हैं, तो वैसे रेट हमारे 25 लगा रखे, उनके 50 लगा रखे, ये गलत। अब कोशिश मत करना, इसके बाद थोड़ी सी भी शर्म हया बची है तो अब कोशिश मत करना। ये आम आदमी पार्टी है, हम भगत सिंह के चेले हैं, फांसी पे चढ़ जाते हैं, ऐसे नहीं बिकते, फांसी पे चढ़ना मंजूर है, देश के साथ गद्दारी नहीं करेंगे। सबसे पहले तो मैं इनको सबको बधाई देना चाहता हूं, ये एक एक हीरा है हमारा, इनको किसी को, कोई दुनिया की ताकत इनको नहीं तोड़ सकती। ये चले थे आज, तो चलो ये सरकार गिराने नहीं, 14 के लिए चले थे, 14 भी क्या, एक भी नहीं बिका, एक भी नहीं टूटा, तो डरोगे तो नहीं ना?
अगर हुआ तो 7-8 महीने जेल ही जाना पड़ेगा, उससे फालतू तो कुछ नहीं है। मैं बड़े से बड़ा वकील दे दूंगा, चिंता मत करना, और तुम्हारे पीछे से तुम्हारे घर का ख्याल मैं रखूंगा, ठीक है। अभी मैं देख रहा हूं कुछ दिनों से प्रधानमंत्री जी जगह जगह एक बात बोल रहे हैं, बोले ये ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक मंच पर इकट्ठा कर दिया। ईडी और सीबीआई ने सारे भ्रष्टाचारियों को एक थोड़ी सी स्टेटमेंट तो सही है, थोड़ी सी गलती है। ईडी और सीबीआई ने इस देश के सारे भ्रष्टाचारियों को एक पार्टी में इकट्ठा कर दिया, मंच पे इकट्ठा नहीं किया, एक पार्टी में, इनकी पार्टी में इकट्ठा कर दिया सारे भ्रष्टाचारियों को। ईडी वाले आते हैं, सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहां बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहां भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहां बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है, बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत विश्व शर्मा के यहां बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है, क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने, तो इनको पता है 6-7 महीने रख लेंगे, उसके बाद तो बाहर आना ही है, कुछ करा नहीं है, इससे फालतू क्या है, बेल तो मिलनी है, आज नहीं मिलेगी, कल मिल जाएगी, कल नहीं मिलेगी, परसों मिल जाएगी। नारायण नाराने के यहां बंदूक रखी, बोला जी बीजेपी में जाएंगे। वो शुभेंदु, ये जितने उदाहरण दे रहे थे, शुभेंदु अधिकारी, मुकुल रॉय, यहां बंदूक रखी, उन्होंने चोरी कर रखी थी, घोटाले कर रखे थे। देश के जितने लुच्चे लफंगे लुटेरे डाकू चोर हैं, सारे के सारे अब एक ही पार्टी में। तो सुना आपने इस वीडियो को, इस वीडियो को सुनने के बाद आपको पता लग गया होगा कि किस तरीके से यहाँ पर अरविंद केजरीवाल ने दावा ठोक दिया और अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया है कि बीजेपी पार्टी अब जो है खत्म होने वाली है, क्योंकि उनकी बातों से तो यही स्पष्ट होता है। 2025 से लेकर 2050 तक का जिक्र कर दिया, लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो बीजेपी पार्टी हर एक राज्य में जीती चली आ रही है। महज 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बनी आम आदमी पार्टी, इस तरीके का दावा ठोक रही है। तो क्या सच में आम आदमी पार्टी विपक्ष को मजबूत करने की कोशिश कर रही है? क्या आम आदमी पार्टी तमाम पार्टियों के साथ गठबंधन करेगी? यह भी बड़ी बात है, क्योंकि जब ग्राउंड पर उतरते हैं तो यह बात भी सुनने को आती है कि अब अरविंद केजरीवाल भी प्रधानमंत्री की रेस में आगे हैं, क्योंकि अरविंद केजरीवाल हर एक राज्य में जो है अपनी जड़ों को मजबूत कर रहे हैं। लेकिन देखना यह होगा कि अरविंद केजरीवाल ने जो बड़ा दावा यहां पर ठोका है, कितना सही साबित होगा, और दर्शकों जो अभी बातें देश के प्रधानमंत्री को लेकर, बीजेपी पार्टी को लेकर केजरीवाल ने बोली है, उसमें कितनी सच्चाई है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। आज के लिए सिर्फ इतना ही, देखते रहिए SPN9 न्यूज़।